कहा जाता है कि काशी जो है वो प्राचीन इतिहास का सबसे पुराना शहर है, और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बड़े ही गर्व से कह सकते हैं कि ये सबसे अंतिम शहर भी होगा इस पृथ्वी का, क्योंकि हम लोग का जो आधा जीवन है ना वो यहाँ के ट्रैफिक में गुजर जाता है। ये वीडियो मैं बहुत पहले बनाने वाला था, लेकिन आज जो नरक हुआ ट्रैफिक में कि क्या बताऊँ, 2.5 घंटे लगभग मैं फंसा रहा ट्रैफिक में। भाई दबी आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आप सभी को इस टॉपिक को इसलिए देखना चाहिए ताकि जो उम्मीद करके बैठे हुए हो, अपने एडमिशन की जो पॉसिबिलिटीज लेके बैठे हो, वो आप जान सको कि आपको एडमिशन अभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हज़ारों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी BHU के मॉपअप राउंड के थ्रू होने वाले एडमिशन प्रोसीजर में भाग लेना चाहते हैं और अपना दाखिला कराना चाहते हैं। तो मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। हमारे पास एक पहले से रेफरेंस के तौर पे एक ऑफिशियल लिस्ट है जो कि कुछ दिन पहले आया था, और हम लोग उस लिस्ट की बेसिस पे अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पास टोटल कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें फुल हो गई हैं, और आपको किस तरीके से इस मॉपअप राउंड में एडमिशन की संभावनाएं और पॉसिबिलिटीज बनती हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा, चैनल पर तो नए हो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपका कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना होने सके। जिन बच्चों को भी हॉस्टल चाहिए, हॉस्टल वाला करके एक नया इनिशिएटिव है, घर बैठे आप हॉस्टल की इंक्वायरी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसे ज्वाइन करिए, वहाँ पे एक नंबर दिया जाएगा, उन्हें कॉल करिए, और BHU के आसपास कहीं भी आपको PG लॉज रूम हॉस्टल चाहिए आप उनसे इंक्वायरी करिए, वो आपको रिकमेंड करेंगे। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपके पास ऑफिशियल एक लिस्ट है जो कि आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए, और उसको कैसे एनालाइज करना है, कैसे आपको ऑब्जर्व करना है, कैसे चेक करना है, इस प्रोसीजर को हम लोग स्क्रीन पर देखेंगे। ये एक लिस्ट है, और सबसे ऊपर जाते हैं तो इस लिस्ट में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव नॉट कंप्लीटेड द फी एडजस्टमेंट प्रोसेस एंड नॉट जनरेटेड द एडमिट कार्ड। यानी ये 2 दिन एक्सटेंड किया गया था इस लिस्ट के थ्रू कि इतने सारे बच्चे जो हैं वो BHU के नॉन प्रिफरेंस वाले कोर्सेज लाइक BA LLB, लाइक BCOM, लाइक एग्रीकल्चर, SBDV के बहुत सारे कोर्सेज में बच्चों ने अपना फी ही डिपॉजिट नहीं किया। ये वो फाइनल फी है जो आप नहीं पे करते हो तो आप अपना एडमिशन विड्रॉल करा रहे हो, लाइक आप BHU में एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, तो ये सीटें मॉपअप राउंड में काउंट होंगी। ये मॉपअप राउंड की फाइनल वैकेंट सीट की लिस्ट नहीं है, लेकिन ये 2 दिन पहले 2 दिन बढ़ा के ये लिस्ट निकाली गई थी कि जो बच्चे अभी भी अपना पेमेंट करना चाहते हैं वो करें। और इसकी जो संख्या है वो आप देखते हो तो कितना है, आप एकदम लास्ट में जाओ और आप इसको देखो कि कितना है। ये कुछ है आपका 386। मैं मानता हूं कि 386 में अगर 2 दिन एक्सटेंड किया गया है तो कुछ बच्चे जो हैं 100 आप बच्चे में मान सकता हूं कि वो लोग फाइनली अपना पेमेंट करेंगे। अब एक दूसरी लिस्ट देखते हैं, क्योंकि दोनों लिस्ट को देखने के बाद बात ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये वाली लिस्ट देखो, अब एकदम नीचे ले आओ, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव नॉट कंप्लीटेड द कॉम्बिनेशन प्रिफरेंस एंट्री। ठीक है, एक्चुअली आज स्टूडियो में कोई है नहीं तो मेरे को ही कैमरा चेक करना पड़ रहा है कि वीडियो इज एक्चुअली शूटिंग, कैमरा इज ऑन हर ऑफ। तो ये जो लिस्ट है, लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव नॉट कंप्लीटेड द कॉम्बिनेशन एज प्रिफरेंस एंट्री, मतलब ये उन बच्चों की लिस्ट है जिन्होंने प्रिफरेंस वाले कोर्सेज में लाइक BHU के BA और BSc में अपना प्रिफरेंस ही नहीं भरे हैं। जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी संख्या में अबाउट 830 बच्चे हैं पूरे कोर्सेज मिला के, मतलब BA और BSc मिला के, एफिलेटेड के भी कॉलेज मिला के, MMB और FMC भी मिला के 830 बच्चे हैं जिन्होंने प्रेफरेंस नहीं भरा। इसका मतलब जब भी फाइनल पेमेंट डिपॉजिट की लिस्ट निकलेगी तो उसमें इससे ज्यादा संख्या होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि बच्चे फी डिपॉजिट करें, जब बच्चों ने प्रेफरेंस नहीं भरे तो इससे तो ज्यादा संख्या उन बच्चों की होगी जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने अपना फाइनल पेमेंट ही सबमिट नहीं करेंगे जब आएगा तब। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास ओवरऑल एक लंबी लिस्ट आने वाली है मॉपअप राउंड के लिए,
अब यहां पे बच्चे मुझे कुछ कमेंट करेंगे कि सर मॉपअप राउंड में आप या तो ब्रिटिशन की बात करें या तो फिर आप मॉपअप राउंड में हम लोग को रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाए जिनका एडमिशन हो जा रहा है, तो आपको यहां पे कंपेनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात मैंने एडमिशन कमेटी के सामने रखी है, ओरली रखी है, रिटेन तौर पे मैं रखूंगा चूंकि ऑफिस क्लोज चल रहा है, धरना चल रहा है, मैं कल ये मुद्दा उनके सामने रखूंगा कि मॉपअप राउंड में जिन बच्चों का एडमिशन मिल जा रहा है उन्हें भी मौका दिया जाए जिससे वो अपने मेरिट के अकॉर्डिंग डिजर्विंग सब्जेक्ट्स, अपने च्वाइस के सब्जेक्ट्स, अपने एम के अकॉर्डिंग अपने टॉप लिस्ट के सब्जेक्ट्स वो चूज कर सके, उन्हें मिल सके। तो इसके लिए आप भारी मात्रा में सहयोग करें, समर्थन बनाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो के माध्यम से जुड़े इस चैनल से कि हम लोग कंपेनिंग करें तो वो सफल हो जाए, हमारी बात को सुना जाए, हमारी बात को समझा जाए। ठीक है, अब देखो ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में अगर हम लोग एकदम नीचे जाते हैं तो इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, कितनी है वो है कुछ 830 सीटें को अब देखने का तरीका, दोनों लिस्ट अब देख लिए, अब आप लोग देखने का तरीका देखो। ठीक है, एक बार मैं फिर से चेक कर ले रहा हूं। ओके, अब आप लोग इसका देखने का तरीका सबसे नीचे वाला हम लोग ले लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है जूलॉजी, कोई बच्चा जूलॉजी से पढ़ना चाहता है, अरे बड़ी अच्छी बात है, जूलॉजी की सीट तो खाली है, एमएमबी में खाली है। कोई यहां पे माही गुप्ता करके हैं जो कि एडमिशन नहीं लेना चाहती हैं, उन्होंने प्रेफरेंस नहीं भरा, माही गुप्ता की एमएमबी की सीट जो है वो खाली है। तो आप यहां से एक अंदाजा लगाओ कि जिसको जूलॉजी चाहिए एमएमबी में चाहिए वो इंतजार कर सकता है। अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएं तो ये देखो कि क्या जूलॉजी के बाद भी कोई सब्जेक्ट्स खाली है, तो यहां पे फिजिक्स, स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स, यहां पे लोकेशन दिया है कहां कहां खाली है, तो एफएमसी में खाली है। कितनी सीटें खाली है तो आप खुद काउंट करो, एफएमसी में अगर हम लोग मैथमेटिक्स की सीट देखें तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ यहां से स्टार्ट हो रहा है मैथमेटिक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर उसके बाद पेड है 9, 10, 11, 12, कुछ इस तरीके से 12। तो कहने का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर ऑनर सब्जेक्ट्स में ऐसे ही 10 से 12 सीटें ही खाली हो रही हैं। हाँ, लेकिन अगर आप इस पूरे लिस्ट को देखोगे तो कुछ ऐसे भी ऑनर सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे जिसमें सीटें खाली नहीं हो रही हैं, ऐसा भी है। तो वो बच्चे अपनी उम्मीद तो हटा सकते हैं फाइनली, जिनको अब वो सब्जेक्ट्स है ही नहीं मॉपअप में तो वो क्यों इंतजार करेंगे, तो कहीं ना कहीं अब वो अपना कहीं एडमिशन के लिए सोचें। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं, जो मेरी साइकोलॉजी कहती है, जो मैं एनालिसिस किया हूं, कि अब वही बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि नेक्स्ट ईयर अपनी प्रिपरेशन करने वाले हैं फिर से मिशन 2024 के लिए, क्योंकि इतना लेट हो चुका है कि उनको कहीं एडमिशन भी नहीं मिलने वाला है। अब वो कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर है कि मॉपअप में मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग फिर से ट्राई करेंगे। और ये अच्छा आइडिया है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, हर कोई ड्रॉपर होता है, मैं भी पहले आईआईटी करना चाहता था, बाद में पता चला मैं बीएचयू में आके फिलोसफी कर रहा हूँ, तो सबका भविष्य बदल जाता है, अभी क्या क्या लिखा है भविष्य में भगवान जाने। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ ना कि आप लोग इस लिस्ट को जाके पहले देखो, खुद से देखो कि क्या आपके डिजायर सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, अगर बचे हैं तो आप इंतजार करो। अब यहां पे एक दूसरा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, मेरे पास कुछ बच्चों के कॉल आए, पता है क्या कि सर सपोज कि बीए का बच्चा है, मेरे जो मार्क्स है ना वो 250 है, 270 है, 275, 272 है, भाई फिर एडमिशन क्यों नहीं लिए? सर उसमें मुझे डीयू जाना था, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि डीयू मुझे नहीं जाना है, बीएचयू आना है, क्योंकि वहां का एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूं, पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है। तो मैं कहा उत्तम है सर, मॉपअप में मुझे मिल जाएगा? ऑफ कोर्स, ऐसे टॉप रैंक के बच्चों के लिए मॉपअप बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा हैं और वो किसी कारण से या तो उन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं चूज करी या तो फिर उन्होंने कहीं एडमिशन ले लिया था या उनका पेमेंट पहला राउंड का डेड हो गया था, ऐसे में वो बच्चे यहां भारी मात्रा में इंतजार कर सकते हैं कि हाँ चलो हमें एक एडमिशन की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ऑनर्स वाइज देखा जाए तो ये 10-12 करके ही सीटें हैं, ऐसे भी कुछ कॉम्बिनेशन होंगे जो कि एफएमसी में नहीं होंगे, आप मैच कराओ पहले जाके, जैसे केमिस्ट्री देखो, केमिस्ट्री में देखो एफएमसी में है कि नहीं। जैसे अब कोई बच्चा एफएमसी में ही पढ़ना चाहता है केमिस्ट्री लेके और केमिस्ट्री एफएमसी में अवेलेबल ही नहीं है, कोई बच्चा ज्योग्राफी ही लेके पढ़ना चाहता है एफएमसी में और ज्योग्राफी एफएमसी में है ही नहीं, तो ऐसे में भाई आप क्या करोगे अब? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप सभी के पास एडमिशन की पॉसिबिलिटीज है, बेशक है, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं है, लेकिन आप अपने आप को भी देखो कि क्या आप टॉप रैंक में आ रहे थे, आप उस लास्ट कट ऑफ राउंड को चेक करो कि ये कट ऑफ इतने पे बंद हो रहा था तो मैं बस
दो नंबर पीछे हूं, या तो मैं इस कटाफ के अंदर हूं। बहुत सारे ऐसे बच पता है, मैं सच बता रहा हूं, ये जब एक पूरा फ्रेश रजिस्ट्रेशन मिलेगा ना मॉपअप का, बहुत सारे ऐसे बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे जिन्होंने अभी तक बीएचयू में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था और उनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, और वो सीट उड़ा ले जाएंगे, देखना ऐसा होगा। मैं बस इतना चाहता हूं कि जो बच्चे बीएचयू में एडमिशन ले चुके हैं उन्हें मेरिट के अकॉर्डिंग डिजर्विंग सब्जेक्ट्स मिले, जिसके लिए मैं मॉपअप में उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए यहां पे प्रेशर बनाऊंगा। कैसे भी करके मैं ये कोशिश करूंगा कि इन बच्चों को यहां पे एक मौका दिया जाए कि वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें, बहुत जरूरी है। नहीं तो पता चला कि कम मार्क्स वाला एफएमसी मजा लेगा और ज्यादा मार्क्स वाला डीएवी में तांडव करेगा, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अन्याय है। इस पे एक मैं पक्का एक ज्ञापन लिखूंगा और मेल करूंगा, बाकी आप अपना सहयोग देना जितना हो सके, आप उसमें एकदम लग जाना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे साथ जुड़े रहें, जब मैं आपको जब मैं बुलाऊं तो कम से कम आप एक आवाज पे उपस्थित हो जाओ, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट से आप लोग अंदाजा तो लगा लिए कि किसकी किसकी पॉसिबिलिटीज है एडमिशन की। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो आप मेरे से बार पूछोगे ना कि सर ओवरऑल ये बताइए कि वीडियो का मतलब क्या हुआ, सीट बचेगी कि नहीं। देखो यार, दो दिन का ही एक्सटेंशन मिला हुआ था, 830 सीट इधर है, लगभग 300 उधर है, समझ गया कि नहीं। और उसमें भी अभी ये सीट में फाइनल पेमेंट बाकी है, दो दिन उधर बढ़ा था। मैं मानता हूं कि ये पूरी सीटों में अगर 830 में अगर दो दिन बढ़ा गया तो मैक्सिमम 150 बच्चा जो है वो और जाके पेमेंट किया, अब प्रेफरेंस भरा होगा। लेकिन यही 150 फाइनल पेमेंट सबमिशन ना करने की वजह से फिर से मॉपअप हो सकता है, यानी फिर से कुल मिला के 800 सीट खाली हो सकती है। उसी तरीके से हम लोग उस वाले में देखेंगे जो पहले की लिस्ट थी, उसमें भी ये सीटें एकदम सेम तरीके से फॉलो होंगी तो ये बचेंगी। तो हमारे पास जितनी सीटें अभी विजिबल हो रही हैं ये कुछ इसी तरीके से हमारे सामने नजर आएंगी। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि ये उसी तरीके से नजर आएंगी, क्योंकि बच्चों के कैंसिलेशन के अगर कंसिडर किया जाएगा तो ये सीटें बढ़ भी सकती हैं। सो आप सभी लोग कमिंग वीडियोज का इंतजार करें और अपना उम्मीद ना खोएं। जो डिजायर्ड स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं वो तो बिल्कुल अपना उम्मीद ना खोएं, बने रहने, और मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए मॉपअप राउंड में क्या प्रोसेस है, क्या आपको ऑनर्स मिल सकता है, क्योंकि कई बार ऑनर्स चेंज के भी ऑप्शंस होते हैं। आप ये देखो कि कॉम्बिनेशंस में आपको अगर ये मिल जाता है, आप क्योंकि तीसरे साल में अपना ऑनर्स चेंज भी करा सकते हो, तो पॉसिबिलिटीज रहती है। आप ये मत सोचो कि नई ज्योग्राफी मिलेगा, ऑनर्स मिलेगा, ये मिलेगा तभी आप पढ़ोगे, नहीं तो फिर आप एडमिशन कैंसिल करा के निकल जाओगे। आप ये भी देखो कि आप दो साल पढ़ रहे हो और तीसरे साल में आप चेंज करा लेना। स्टार्टिंग में तो तीन साल दो साल तो हर सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझोगे ना तो बात समझ में आएगी। तो मुस्कुराते रहें, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आप पूरी बातों को समझे होगे। और आने वाले समय में मेरे कुछ वीडियोस हैं मॉपअप राउंड से संबंधित और आपके फाइनल फी एडजस्टमेंट से रिलेटेड, और उसके बाद लास्ट में मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 2024 CUET प्रिपरेशन का, UG & PG बोथ का। आप मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हो बहुत जल्द।